सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, इससे पहले भी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन रिसेंटली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ रेटिंग एजेंसी और कुछ ब्रोकरेज फर्म ने बहुत अच्छा आउटलुक दिया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं टाटा कंज्यूमर के बिजनेस के बारे में। हम सभी जानते हैं ये इंडिया का नंबर वन टी कंपनी है, एंड अगर दुनिया का बात करें तो दुनिया का ये सेकेंड लार्जेस्ट टी कंपनी है। इनका जो ऑपरेशन है वो यूके, नॉर्थ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, सारी जगह पे फैला हुआ है। सो अगर हम इनका जियोग्राफिक लोकेशन देखें, सो इन दैट केस 60% ऑफ देयर ब्रांडेड बिजनेस रेवेन्यू एंड 30% रेवेन्यू कम फ्रॉम द बिजनेस इन जियोग्राफिकल लाइक कैनाडा, यूएसए, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड एवरीवेयर। सो इंडिया से इनको 62% का रेवेन्यू जनरेट होता है। नाउ मेन जो इनका बिजनेस है वो टी बिजनेस से ये 51% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फूड बिजनेस से इनको 21% का रेवेन्यू जनरेट होता है। फूड के अंदर टाटा सॉल्ट, संपूर्ण, ये सारे ब्रांड शामिल है। नाउ कॉफी बिजनेस से इनको 11% का रेवेन्यू जनरेट होता है। हम जानते हैं टाटा स्टारबक्स के बारे में, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड स्टारबक कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका, जिनके अंडर इनका 185 स्टोर्स है इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर मोतीलाल ओसवाल ने अपने टारगेट को रेस किया है। मोतीलाल ओसवाल ने 775 का टारगेट दिया है। वहीं एक और बहुत बड़ा ब्रोकर जो के है ICICI सिक्योरिटीज, उन्होंने भी अपने टारगेट को इंक्रीज किया है एंड 800 का टारगेट उन्होंने दिया है, जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। नाउ इसका प्रेजेंट मार्केट कैप 65,868 करोड़ है। स्टॉक ने अभी अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच किया है। 52 वीक्स हाई 720, प्रेजेंट प्राइस 715, 52 वीक्स लो 360। जस्ट लाइक टाइटन, ये भी एक लॉन्गर हॉराइजन का स्टॉक है। अगर आपका हॉराइजन मिनिमम 5 साल का है तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, मैक्सिमम तो 10 साल का आपका मिनिमम होना ही चाहिए, तभी ये आपको मल्टीपैकर रिटर्न देगा। इट इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक इन एनी एस्पेक्ट। स्टॉक का पी 75.8 है। नाउ आरओसी एंड आरओई देखें, सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.85% एंड आरओई 6.13%, जो कि बहुत अच्छा नहीं है ऐसा हम कहेंगे। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के पीयर्स के बारे में देखें, सो पीयर्स के साथ इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि जो और कंपनीज है लाइक बॉम्बे बर्मा, CCL प्रोडक्ट्स, रसल इंडिया, मैक्लोइड रसल, ये सारे कंपनीज का मार्केट कैप बहुत ही कम है। नाउ टाटा कंज्यूमर का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है एंड इसलिए इसका पी भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये अपने सेगमेंट में एक ऐसी कंपनी है जो कि वेल नोन है एंड इनका बिजनेस भी अच्छा खासा फैला हुआ है। अगर हम रिजल्ट को देखें तो सेल्स में ज्यादा जंप हमने नहीं देखा, दिसंबर टू मार्च क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा है, क्योंकि ज्यादातर जो इनका प्रोडक्ट बिकता है वो बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स पे बिकता है लाइक बिग बाजार, स्पेंसर एंड अदर स्टोर्स, जो कि बहुत टाइम तक बंद था ड्यू टू कोविड। तो बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद होने के कारण इनके सेल्स में तो इम्पैक्ट आया ही है। नेट प्रॉफिट भी 218 करोड़ से 54 करोड़ तक गिरा है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। जैसे जैसे थिंग्स विल गेट नॉर्मल इनका बिजनेस बढ़ेगा। स्टारबक्स के जो इनके आउटलेट्स है वो भी क्लोज थे फॉर ए लॉन्गर टाइम। नाउ इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि शायद हम क्वार्टर रिजल्ट में गिरावट देख सकते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर रिजल्ट शानदार है। 9,637 करोड़ से 11,602 करोड़ का सेल्स ग्रोथ हमने देखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 1,256 करोड़ से 1,446 करोड़ तक जा चुका है। नेट प्रॉफिट जो है वो 460 करोड़ से 857 करोड़ तक जा चुका है, जिसमें अदर इनकम 188 करोड़ का है, उसको भी हमको ध्यान पे रखना होगा। अर्निंग पर शेयर भी 9.30 है। नाउ एवरी पैरामीटर ईयर ऑन ईयर स्टॉक ने शानदार रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिस कारण स्टॉक में हमने इतना अच्छा बढ़ोतरी देखा है। नाउ कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 12%, 6 ईयर्स में 19%, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 151%, 3 ईयर्स में 21%, स्टॉक का CAGR प्राइस ग्रोथ बहुत अच्छा है 10 ईयर्स में 22%, 5 ईयर्स में 41%, 3 ईयर्स में 38%, रिटर्न ऑन इक्विटी ओनली द नेगेटिव फैक्टर जो कि 6% इन एवरेज है 10-3 ईयर्स के बीच। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी बढ़ा है। मार्च 2020 में जो 1,082 करोड़ था वो मार्च 2021 में 1,656 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बढ़ना यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बढ़ना बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है उसको उन्होंने कैश में भी कन्वर्ट किया। ऐसा नहीं है कि यह प्रॉफिट सिर्फ पेपर में है, एक्चुअल में उन्होंने इस प्रॉफिट को कैश में भी कन्वर्ट किया है। ना अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो ये बहुत ही अच्छा है। प्रोमोटर्स के पास 34.71% का स्टेक है, DIFI मिल के ऑलमोस्ट 38% का स्टेक एंड पब्लिक होल्डिंग 27.48%, सो इट्स अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन।
पब्लिक होल्डिंग, प्रोमोटर्स होल्डिंग एंड DIFI होल्डिंग बहुत ही अच्छा है, जो कि इस कंपनी को बहुत ही अट्रैक्टिव एंड शानदार बनाता है। सो ये था टाटा कंज्यूमर के प्रोडक्ट के बारे में एक शॉर्ट एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। हालांकि स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड करा है, लेकिन ये अदानी ग्रुप जैसा कंपनी नहीं है, तो आप इस रेंज पे भी स्टॉक को बाय कर सकते हो, लेकिन लॉन्गर होराइजन के लिए। अगर आपका होराइजन 1 साल का 3 महीने का है, सो दिस स्टॉक इज नॉट फॉर यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।